नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें, फरीदाबाद सेक्टर 23 में एक सामुदायिक भवन बन रहा था, लेकिन अब इसे कोविड-19 ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बदल दिया गया। हॉस्पिटल बनकर तैयार है। फरीदाबाद के DC यशपाल यादव भी यहाँ पर विजिट करने आए हैं। एक मिनट डॉक्टर विनी जी, आप लोग देख सकते हैं DC साहब आ गए हैं विजिट करने के लिए। लाइट ऑफ है, लाइट चली गई है। आप लोग देख सकते हैं ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल है, करीब 50 बेड हैं इसमें। और DC साहब आए हैं दौरे के लिए, देखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था है। पार्षद जबीर कटाना आपके सामने है। आप लोग देख सकते हैं DC साहब आए हैं विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, हर चीज का जायजा ले रहे हैं। उदय नारंग जी, ओमेगा ब्राइट स्टील कंपनी। बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया शुरुआत है। आप लोग देख सकते हैं तो हमें एक मिनिमम आउटसोर्सिंग से ही वो आते हैं, तो उनको बेड होते हैं, तो वो सर पेशेंट के साथ काम कर लेते हैं। अदरवाइज सोशल वर्कर कभी भी पेशेंट को हाथ लगाने के लिए वार्ड में जाने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो एक हमारा कंसर्न है। वो नहीं है, एड्रेस है, बाकी सब और कोई नहीं। जो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी में तो क्या है कि स्टाफ यहाँ पीछे से है, वैसे तो हमारी यहाँ टीम भी रहेगी। श्री गिरीश शर्मा जी है मानव अधिकार संस्था से, तो इनकी पूरी टीम भी 24 घंटे साथ में रहेंगे, आपको मदद करने के लिए। और जब भी एक जिम्मेदारी का आदमी, जैसे कि चार ट्यूबवेल ऑपरेटर, बाहर निकल के बात करते हैं, थोड़ा अभी हम एक दूसरे को रिस्क कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कई बेड हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन की सुविधा है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, सिलेंडर वगैरह हर चीज़ है यहाँ पर। और DC साहब आए हैं दौरे के लिए, सिलेंडर वगैरह की पूरी व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं इधर। वो मेरे को सब अप्रूवल, मेरे को सब अप्रूवल मिल चुके हैं, तो प्रोडक्शन हो रही है कोरिया से। इसी महीने 30 तारीख को चालू कर देंगे, करीब 60 टन प्रतिदिन। हम लोग काफी कुछ कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ सेक्टर 50 IMT फरीदाबाद अपने विकास चौधरी जी जो स्टेट मैनेजर के साथ मेरी, और फिर मतलब बहुत सारी हेल्प इन्होंने भी की है, और माननीय मिनिस्टर जी से भी कल बात हुई थी। तो ये है कि हमारी पॉलिसी है कि इंडिया फर्स्ट रखें, जितने लोगों की हेल्प कर सकें वही ज़्यादा अच्छा करते हैं। इसमें आप अगर आपने हमारी हेल्प करी से बहुत बहुत बढ़िया, आपने सर नमस्कार। सर ऑक्सीजन अस्पताल बना है सेक्टर 23 में, करीब कितने बेड हैं? जय वीर 50 बेड हैं, इनका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे सर, थोड़ा सा बताइए। ठीक है, मैं सबसे पहले तो यहाँ के पार्षद जयवीर कटाना जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने ये लगभग 10 दिन पहले मेरे से मिले थे, और इन्होंने ये कहा था कि ये ऐसी फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने तैयार भी कर दी थी, तो आज सौभाग्य से इनका शुरू हो रहा है। आसपास के जो लोग होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ उनको ऑक्सीजन बेड की, डॉक्टर की और पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा होगी, तो लोगों की जिंदगियाँ बचाई जा सकती है। एक बार जब ये शुरू करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट साइड से उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे ऑक्सीजन की सप्लाई, और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इनका सपोर्ट हम देंगे। बाकी
ये लोकल सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, इनके लोगों को, आसपास के लोगों को इससे सुविधा होगी, फायदा होगी और लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। सर, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं कम होते जा रहे हैं और जो पैनिक था वो भी कम होता जा रहा है, तो इस तरह से जो लोग सहयोग दे रहे हैं, कई अस्पताल शुरू हो चुके हैं नए, जैसे कि छायसा में भी शुरू हुआ और ये भी कल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बीके हॉस्पिटल में 100 बेड का हॉस्पिटल करीब एक महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, तो किस तरह से इनका इस्तेमाल करेंगे? पब्लिक में जो पैनिक ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से लोग परेशान हैं, वो पैनिक कम करने के लिए सर क्या आगे करेंगे? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कुछ दिनों से केसेस हमारे कम हो रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। बिल्कुल, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आसपास के लोगों को, जब ये भरोसा रहेगा कि अगर मुझे ज़रूरत है तो ज़रूरत के वक्त में मुझे यहाँ से मदद मिल जाएगी, तो उनके अंदर पैनिक कम होगा। बिल्कुल, मैंने ये देखा था लगभग 10 दिन पहले कि लोगों को ये एक दिक्कत रहती थी कि उनके दिमाग में शंका हो गई थी, जब जरूरत पड़ेगी तो बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उससे उनको सबसे पहले वो बेड की तरफ भागते थे। लेकिन अब जबकि बेड की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है तो लोगों को भी ये तसल्ली है। सरकार की तरफ से भी हम लोग उनसे रोज संपर्क करते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे। तो इन सब चीज़ों से, और बाकी आप ये देख रहे हो कि इन्होंने, जयवीर जी ने और ऐसे बहुत सारे समाज से भी लोग हैं जिन्होंने आगे आके इस तरह का काम किया है और ऐसे मुश्किल वक्त में काम किया है, तो उससे लोगों के अंदर भरोसा जगा है कि शहर के लोग, समाज से भी, सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है, तो उससे पैनिक उनका कम हुआ है। सर, एक सवाल और है। सर, आप एक अस्पताल में गए थे, जेनिथ हॉस्पिटल, जिसमें ओवर चार्जिंग हो रही थी। जब आप गए दौरे पे और आपने कुछ कार्रवाई के निर्देश भी दिए तो पब्लिक में बहुत भरोसा जगा कि जो भी हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग कर रहे हैं 30,000 रुपये रोज़, 50,000 रुपये रोज़, कम से कम ये जो है अपनी हरकतों से बाज आएंगे और पब्लिक से जो सरकारी रेट निर्धारित किए गए हैं वही लेंगे। तो सर, क्या आगे आप अन्य हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करेंगे सर? क्योंकि पब्लिक यही सोच रहे हैं, डीसी साहब जरूर चेक करेंगे। देखिए, उसमें उनके खिलाफ एक जांच हुई है और उसमें कुछ जो आरोप लगे थे वो सिद्ध होने पाए गए हैं। उनको नोटिस जारी किया गया है हॉस्पिटल को, और दो हॉस्पिटल और हैं जिनको इस तरह की शिकायतें आई थी, उनकी जांच करवाई जा रही है। तो कोई भी अगर इस तरह का ज़्यादा चार्ज करता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ये जिले के जो हॉस्पिटल हैं, पिछले साल से मैं देख रहा था कि इन्होंने बहुत मदद की है लोगों की, और कुछ एक दो लोगों की वजह से इन लोगों की बदनामी होती है बाकी लोगों की, तो ये अच्छा नहीं होता। हॉस्पिटल के जो ओनर्स हैं वो लोग भी इस बात के खिलाफ हैं, हम भी इस बात के खिलाफ हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कोई ज्यादा चार्जेस लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है सर, जैसा कि आपने देखा कि हमारे खटाना साहब ने पहल करी है फरीदाबाद में ये कोविड सेंटर खोलने के लिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप और पार्षद को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे कि खटाना साहब ने बहुत अच्छा किया है, लास्ट टाइम भी इन्होंने जब लॉकडाउन लगा था तो इन्होंने बहुत सूखे अनाज वगैरह दिए थे, तो आप और पार्षद को क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके थ्रू? देखिए, मैसेज तो यही दे रहे हैं, मैं तो क्या मैसेज दूंगा। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो बाकी लोगों का उसका अनुकरण करना चाहिए, मैसेज तो यही है। सर, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये आदरणीय पार्षद जयवीर खटाना के द्वारा किया गया दूसरा सराहनीय प्रयास है। पहला सराहनीय प्रयास फरीदाबाद में जो टोल फ्री नंबर आपको याद होगा आदरणीय गरिमा मित्तल जी के द्वारा जो चलाया गया है 01246811070, जो कि कोविड का निःशुल्क नंबर है, उसके डिस्ट्रिक्ट लीड भी जयवीर खटाना जी हैं। तो इन्होंने लगभग एक हफ्ते का प्रयास किया था और सारी लाइन्स जो कि, और ये जो टीम है स्टेपन है जो कि बेंगलोर का एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर फरीदाबाद के लोगों के लिए निःशुल्क नंबर जारी किया गया है, लेकिन अभी तक लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से लोगों को संदेश दें कि किसी को भी कोविड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो या कोविड पेशेंट हो या वो मनोचिकित्सा लेना चाहता है तो इस नंबर का प्रयोग करें, क्योंकि आप ही ने वो लेटर साइन करके दिया है, लोगों के अंदर जागरूकता आपके अंदर से मैसेज जाएगा तो जरूर बढ़ेगी। हम भी, मैं लोगों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उसका प्रचार भी हमें करना चाहिए। तो मैं टीम को कहूँगा कि लोगों को ये बात पता लगे, उसको प्रकाशित करें, प्रचारित करें, ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। सर, उदय नारंग जी ने इस हॉस्पिटल के में बहुत सहयोग दिया है सर, तो उद्योगपतियों से सर आप क्या कहना चाहेंगे फरीदाबाद शहर के? उदय जी का तो मैं धन्यवाद करता हूँ, और मुझे इस तरह के बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर मिले हैं जिन्होंने मुसीबत के वक्त में सामने आके अपने दोस्तों के, अपने भाइयों की, अपने साथियों की मदद की है, तो ये अच्छी बात है और इस बात के लिए इनको बधाई, और इनको देखकर और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और लोग सामने आएंगे, काम करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप भी।
तो आपने देखा डीसी साहब से बात की। उदय जी आपने बहुत सहयोग दिया है, डीसी साहब भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और पार्षद जयवीर खटाना भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या सोचा आपने, क्या सोच के ये काम किया आपने? मेरे को सबसे ज़्यादा ये इसमें प्रेरणा आई कि मैं देख रहा था कि अमीर लोगों के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन संजय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी और ऐसी कॉलोनी हरियाणा में उनके लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे दिमाग में ये लगा कि मैं जितना ज़्यादा कर सकूं हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में, इस इंडस्ट्रियल हरियाणा की बेल्ट में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है, हमें इस एरिया में री इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इन लोगों को हेल्प करनी थी। तो मेरे को प्रेरणा इसलिए आई कि मैं ये चाहता हूं कि हरियाणा में ऑल अक्रॉस इस तरह के फील्ड हॉस्पिटल्स खोले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं आपकी जो कंपनी ब्राइट स्टील, क्या नाम है, ओमेगा ब्राइट स्टील, तरक्की करे, आगे बढ़े और आप इसी तरह से समाज की मदद करते रहें। बहुत अच्छा काम आपने किया है। तो आपने देखा डीसी साहब से भी बात की और जो है कई लोगों ने बात की, पार्षद जयवीर खटाना भी हैं। खटाना साहब, डीसी साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी और बहुत अच्छा काम करते हैं आप, समाज सेवा करते रहते हैं, तो क्या मन में आया आपके कि आपने ये समाज सेवा शुरू की? पिछले महीने 28 तारीख को मैं अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था, जैसे कि मेरे कुछ मिलने वाले हैं, उनको बेड की दिक्कत आई बहुत ज़्यादा, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने एरिया के अंदर एक हॉस्पिटल बनाने की तैयारी शुरू की जाए। तो सभी साथियों ने इसमें भागीदारी दी, तो हम माननीय उदय नारंग जी चेयरमैन हैं अपने ओमेगा ब्राइट स्टील से, उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें, जो भी मदद चाहिए होगी हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, और उन्होंने मदद करी। हमने लगभग 4 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल बनाकर तैयार कर लिया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने युवा साथियों का जिन्होंने दिन रात लगकर ये हॉस्पिटल तैयार कराया। सर, ये COVID-19 ऑक्सीजन हॉस्पिटल है, तो कोई हेल्पलाइन नंबर है, लोग संपर्क करके यहां पर इलाज करा सकते हैं? जी बिल्कुल, सभी के लिए। हाँ आइए अभी। तो आपने देखा डीसी साहब से भी बात की और पार्षद जयवीर खटाना जी से बात की और उदय नारंग जी से बात की हम लोगों ने। दिन रात एक कर दिया हमारे कोविड सेंटर को बनाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा काम है। देखिए COVID-19 ऑक्सीजन हॉस्पिटल बनकर तैयार है, कल से इसमें इलाज भी शुरू हो जाएगा ज़रूरतमंदों का, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, फरीदाबाद शहर के लोग बेड वगैरह ढूंढ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं। परवीन जी स्टाफ को बुलाओ। आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है और सब ने मिलकर ये अच्छा काम किया है, जिसमें जयवीर खटाना जो पार्षद हैं, उदय नारंग जो ओमेगा ब्राइट स्टील कंपनी के चेयरमैन हैं, और बहुत सारी समाज संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कि ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, कल से इसका शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो अब फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार, जय हिंद।